मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम एक पागल आदमी को देखते हैं और वह एक पागल खाने में ड्राइंग कर रहा होता है और वो एक शहर का नक्शा बना रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी अचानक से मौत हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि जो आदमी ये नक्शा बना रहा था वो किसी को ढूंढ रहा था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम माइकल होता है और जहाँ पर हम देखते हैं माइकल को एक पार्टी में जाना होता है जो कि पार्टी उसकी फ्रेंड की होती है और उसका नाम स्टेला होता है और जो स्टेला है वो माइकल को बहुत ज्यादा ही पसंद करती है लेकिन माइकल उसको बोल नहीं पाता है जो कि स्टेला माइकल की फ्रेंड है। माइकल स्टेला को बहुत ज्यादा पसंद करने लगता है लेकिन वो शर्म के वजह से बोल नहीं पाता है और जब भी माइकल बात करने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है जिस वजह से वो बोलने से रुक जाता है। जिस वजह से माइकल स्टेला की वीडियोस बनाता है और उसी वीडियोस को बार बार देखना शुरू करता है। फिर हम दूसरी साइड देखते हैं उसी क्लासरूम में कॉफी सरीन आती है और वो मार्टिन के बारे में पूछती है लेकिन वो वहां पर होता नहीं है और मार्टिनो को 2 दिन से ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो कहीं भी मिल रहा होता है और हमें पता चलता है जो कॉफी सरीन होती है वो माइकल की मॉम होती है और किसी को पता नहीं चलता है। तभी हम देखते हैं माइकल की मॉम जो कि एक पुलिस वाली है वो माइकल के पास आती है। हम देखते हैं माइकल के नाक से खून गिरता है। वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में जाता है जो कि माइकल बहुत अच्छा लड़का है। उसके क्लासमेट्स बहुत ही ज्यादा उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी टांग खींचते हैं और माइकल इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और माइकल सोचता है कि मैं इनसे कैसे अपना बदला लूं और इनको परेशान करना चाहता है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि मुझे स्टेला की पार्टी में जाना है और वो ड्रेसेस सिलेक्ट करने लगता है। फिर वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है और तभी हम देखते हैं कॉस्ट्यूम वाले का लड़का माइकल को कॉस्ट्यूम देता है। फिर माइकल उससे पूछता है कि इस कॉस्ट्यूम की क्या खासियत है और यही क्यों मुझे दे रहे हो। माइकल को बताता है कि तुम्हें आने वाले टाइम पर इस कॉस्ट्यूम की पावर पता चल जाएगी और फिर माइकल उस कॉस्ट्यूम को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे बार बार देखता है और सोचता है कि शायद मैं ये कॉस्ट्यूम पहनूंगा तो सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। तभी माइकल की मॉम आती है और माइकल को समझाती है कि सुपरमैन ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। फिर माइकल को समझाती है कि तुम्हें उस पार्टी में जरूर जाना चाहिए और वहीं पर हमें पता चलता है कि माइकल के डैड इस दुनिया में नहीं है और माइकल अपने डैड के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी माइकल स्टेला की पार्टी में जाता है और वहां पर स्टेला को देखता है। तभी अचानक से क्लासरूम के बच्चे स्टेला की वीडियोस चलाना शुरू कर देते हैं जिससे कि स्टेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी माइकल वहां से भाग जाता है और जाकर वॉशरूम में छुप जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी क्लासरूम के बच्चे आते हैं और कहते हैं और उसको बार बार डराते हैं, बोलते हैं तुम तो डरपोक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तभी माइकल और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी माइकल शीशे में बोलता है कि चाइनीज वाले कॉस्ट्यूम तुम्हारी पावर क्या है, अगर तुम्हारे कॉस्ट्यूम में कुछ पावर है तो मुझे यहाँ से गायब कर दो और मुझे ऐसी कुछ शक्तियाँ दे दो जो कि मैं सबका सामना कर पाऊँ। तभी बहुत तेज से बिजली कड़कती है और हम देखते हैं कि माइकल उस खिड़की से कूद जाता है और वो अपने घर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब वो वॉशरूम में होता है और ब्रश कर रहा होता है तभी वो इनविजिबल हो जाता है। फिर वो शीशे में देखता है और बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया है, अब मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि मैं इनविजिबल दिख रहा हूँ और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके अंदर एक सुपरमैन की पावर आ जाती है। फिर कहता है मैं तो गायब हो सकता हूँ और वो खुद को मॉन्स्टर समझने लगता है और माइकल तभी सारे कपड़े उतार कर क्लासरूम में जाने लगता है। वे जाते ही हम देखते हैं कि एक काले चश्मे वाला आदमी उसे देख लेता है। इस आदमी के बारे में आपको आगे पता चलेगा और ये एक मूवी का मेन कैरेक्टर है और माइकल डिसाइड करता है कि मैं अब एक एक करके सबसे बदला लूंगा। फिर उसके बाद वो अपने टीचर से पहले बदला लेता है। फिर हम देखते हैं माइकल एक इवान गन की टॉय से टीचर पर अटैक करता है और टीचर को बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है। फिर उसका फादर उसको ले जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं अब बारी थी एलेक्स की जो कि माइकल उसके टूर्नामेंट को खराब करना चाहता था और उसको हराना चाहता था और इसी तरह माइकल दोनों लड़के से अपना बदला ले लेता है। ये करके माइकल बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल सारे कपड़े निकाल कर उन गर्ल्स के क्लासरूम में चला जाता है। फिर हम
देखते हैं कि एक लड़की एक टॉवल फेंक देती है और उस पर जाकर गिर जाती है तो गर्ल्स को थोड़ा डाउट हो जाता है। फिर देखते हैं कि उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और अब हमें पता चलता है कि एलेक्स भी उस क्लासरूम से गायब हो चुका था। और जाने से पहले उन दोनों बच्चों ने एक वीडियो बनाया था और उसमें दिखाया गया था कि वो दोनों बच्चे गायब होना चाहते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें और वो दोनों अपनी जिंदगी खुद ही जीना चाहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि स्कूल वाले एक सेक्रेटरी को बुलाते हैं और वो वहां पर बताता है कि इस एज में हमें अकेला नहीं रहना चाहिए और हमारे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि इस उम्र में हमारे बच्चे कहीं और जाएं और वो अपनी लाइफ को खुद ही जिए। और वो सेक्रेटरी स्टोरी सुनाने लगता है और हम देखते हैं कि माइकल वहां से गायब होने लगा है। फिर माइकल वहां से भागने की कोशिश करता है और आगे जाता है तो उसकी बहन को पता चल जाता है। फिर माइकल उसे चुप रहने को कहता है। फिर माइकल और उसकी सिस्टर सोचती है कि ये सारी चीजें उस कॉस्ट्यूम की वजह से हो रही हैं जिस वजह से तुम्हें एक सुपरमैन की पावर मिली है। फिर वो घर जाता है, अपनी मॉम को देखते ही वो वहां से गायब हो जाता है। फिर उसकी मॉम फोन पर बात कर रही होती है और कहती है माइकल मेरा अडॉप्टेड चाइल्ड है। फिर वो ये सुनकर माइकल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी टाइम माइकल की मॉम को एहसास हो जाता है कि माइकल वहां पर है। फिर वो देखना शुरू कर देती है लेकिन माइकल वहां पर होता नहीं है। फिर इस सीन के बाद हम माइकल को झूले पर देखते हैं और वो वहां पर झूल रहा होता है। फिर उसके बाद ट्रेसा वहां पर आती है और वो देखती है जो कि वहां पर कोई झूल रहा है और ट्रेसा सोचती है कि वो शायद कोई इनविजिबल है। फिर वो पास जाकर बैठती है तो माइकल कहता है कि मैं एक एंजल हूँ। तभी ट्रेसा सोचती है और बोलती है क्या मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। फिर उसी रात माइकल ट्रेसा के घर जाता है और उससे बातचीत करता है। फिर दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर माइकल डिसाइड करता है कि मैं ट्रेसा को सब कुछ बता दूंगा जो कि उस कॉस्ट्यूम की वजह से वो इनविजिबल हुआ है। फिर जैसे ही माइकल उसे बताने के लिए जाता है तो देखते हैं रास्ते में ट्रेसा को कोई किडनैप कर लेता है और तभी देखते हैं ट्रेसा को कोई आदमी उठा के ले जा रहा था लेकिन माइक कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो आदमी काफी स्ट्रांग था और वो वहां से ट्रेसा को ले जाता है। और अगले पल ही वहां पर पुलिस की टीम आ जाती है जिससे कि माइकल से सारी बातें पूछना शुरू कर देती है। और इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही ट्रेसा की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक एक्सपेरिमेंट रूम में पाती है और उन साइंटिस्ट को पता चलता है कि ट्रेसा में कोई ऐसी शक्ति नहीं है लेकिन वो माइकल को ढूंढ रहे थे जिसमें इनविजिबल होने की शक्ति थी। फिर वो ट्रेसा को एक रूम में छोड़ देते हैं जहाँ पर वो दोनों बच्चे थे। तभी हम देखते हैं माइकल डिसाइड करता है ट्रेसा को वहां से लेकर आऊंगा और उसकी हेल्प करूंगा। तभी वो कॉस्ट्यूम पहनने जाता है तो माइकल की मॉम उस कॉस्ट्यूम को धो देती है जिस वजह से उसकी सारी शक्तियां चली जाती हैं। और माइकल अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है और बोलता है तुम मेरी असली मॉम नहीं हो इसलिए तुमने ऐसा किया है। और वो वहां से भागकर एक समुद्र के पास जाकर बैठ जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही काले चश्मे वाला आदमी माइकल के पास आकर बैठ जाता है। तभी माइकल उस आदमी से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। फिर उसके बाद वो काले चश्मे वाला आदमी बोलता है मैंने तुम्हारे दोस्तों को किडनैप नहीं किया है और ना ही गायब किया है। तभी माइकल को पता चलती है कि ये सुपरमैन की पावर कहाँ से आई। फिर उसके बाद काले चश्मे वाला आदमी बोलता है जिसका नाम आंद्रे होता है वो बताता है कि मेरे पास भी ये सुपरमैन की पावर है जिससे कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। फिर आंद्रे माइकल से बोलता है कि मैं सबके दिमागों को पढ़ सकता हूँ और मैं ये भी पढ़ सकता हूँ कि सबके मन में क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं जो आंद्रे होता है वो माइकल का ही फादर होता है और हम देखते हैं माइकल के अंदर जो पावर थी वो आंद्रे के पास भी थी। और आंद्रे फिर उसके बाद बताता है कि मेरा जन्म एक रशिया में हुआ था और वो एक नॉर्मल लाइफ को जिया करता था लेकिन अचानक से एक दिन सब कुछ बदल गया। फिर आंद्रे माइकल को बताता है कि रशिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिस वजह से वहां के सब कुछ चीजें नष्ट हो गई थी और वहां पर कुछ लोगों की जान बच गई थी और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके डीएनए में कुछ बदलाव आने लगे और वो लोग काफी स्पेशल बन गए और जिस वजह से उनको कुछ शक्तियां मिल गई। फिर हम देखते हैं कि सेना उनको देखकर खुश होती है और वो उसमें काफी दिलचस्पी होती है। सेना का एक लीडर था जिसका नाम था डिवीजन और डिवीजन ने सबको इकट्ठा किया जिसमें कुछ पावर्स थी। और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वो चीजों को देखकर स्मेल कर सकता है और हमने इसे मूवी के स्टार्टिंग में देखा था लेकिन इन सबको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आंद्रे में था। और आंद्रे में ऐसी शक्ति थी जो कि वो सबका माइंड पढ़ सकता था लेकिन इसका बहुत ज्यादा ही साइड इफेक्ट था। अगर वो किसी का माइंड ज्यादा पढ़ता तो उसकी शक्तियां कम हो जाती थी और धीरे धीरे सबकी आंखें कमजोर होने लगी और वहीं पर आंद्रे की आंखें भी वीक पड़ने लगी थी। फिर
आंद्रे सबको बताता है कि मुझे कैब में एक लड़की मिली थी जिसका नाम यलेने था। आंद्रे यलेने को काफी पसंद करने लगा था और यलेना भी आंद्रे को काफी पसंद करने लगी थी। तभी यलेना को एक बेबी हुआ। जब यलेना ने एक बेबी को जन्म दिया तो उसमें कुछ शक्तियां थी और डिवीजन के लोग नहीं चाहते थे कि यलेना का और आंद्रे का बच्चा उनके पास रहे। और फिर दोनों ने डिसाइड किया, हम अपने बच्चे को इस कैद में नहीं रहने देंगे। और वो दोनों बच्चे को लेकर भागने लगे। फिर जैसे ही भागते भागते फिर उनके पीछे वो डिवीजन के लोग भी उसके पीछे भागने लगे। फिर यलेने डिसाइड करती है कि मुझे इन दोनों की जान बचानी पड़ेगी। तभी यलेने ने उन दोनों की जान बचा करके अपनी जान को गवा दिया। और हमें वहीं पर पता चलता है कि यलेने के पास भी कुछ सुपर पावर थी जो कि माइकल के अंदर आई थी। फिर आंद्रे ने अपने बच्चे को उस पुलिस वाले के घर के बाहर रख दिया जो कि वो उसकी आज मॉम है, क्योंकि आंद्रे ने उसकी मॉम का दिमाग पढ़ लिया था और उसने सोचा कि ये काफी अच्छी औरत है, तो वहां पर माइकल को छोड़ दिया था। फिर माइकल को पता चल जाता है कि ये सारी शक्तियां आंद्रे जो कि उसका फादर है, और वो सोचता है कि ये शक्तियां उस सूट में नहीं थी। तभी आंद्रे एक फिशमैन को देखता है और वो सोचता है कि शायद ये माइकल को किडनैप करने आया है, और वो वहां पर जाकर उसके दिमाग को पढ़ लेता है और उस आदमी की मेमोरी को खत्म कर देता है। फिर तभी माइकल की मॉम वहां पर आती है। तभी माइकल अपनी मॉम से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं आज के बाद घर से नहीं भागूंगा क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद माइकल और उसकी मॉम घर जाते हैं। फिर देखते हैं कि वहां पर साइकेट्रिस्ट सोता है और उससे माइकल से सारी बातें पूछना शुरू कर देता है कि तुम्हारे पास ये सारी शक्तियां कैसे आई। साइकेट्रिस्ट को सारी बातें पता होती हैं, फिर भी माइकल को गुमराह करने के लिए सारी बातें पूछता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं माइकल वहां से भागता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही माइकल भागता है तो उसे रास्ते में इवान मिलता है जो कि उसे बुली करता था। तभी इवान की स्कूटी पर माइकल बैठ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। ट्रेसा और उसके फ्रेंड्स निकलने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रेसा देखती है कि उन्हें एक बहुत बड़ी शिप में किडनैप किया गया है। फिर वहां पर एक स्पॉटलाइट भी देखती है और ट्रेसा उस लाइट को जला देती है जिससे कि वो काफी दूर तक वो लाइट पहुंच सके। फिर उसके बाद माइकल उस लाइट को देख लेता है और वो सोचता है कि ट्रेसा शायद वहां पर होगी। और माइकल वहां पर उसे ट्रेसा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहां के कुछ गार्ड्स माइकल को देख लेते हैं। वो जैसे तैसे वहां से भाग जाता है और माइकल कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि माइकल फिर से गायब हो चुका है। फिर आंद्रे उसकी मॉम के घर जाता है और आंद्रे सारी बातें बताता है कि मुझे पता है कि माइक कहाँ पर है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं वहां से माइकल को बचाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर हम देखते हैं कि माइक को पकड़ने के लिए डॉक्टर ट्रेसा को किडनैप कर लेता है और उसे एक रूम में बंद कर देता है। लेकिन तभी माइक ट्रेसा को बचा लेता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रेसा माइक को बोलती है कि यहाँ पर एक और आदमी है, उसको भी किडनैप करके यहाँ पर रखा है। और ट्रेसा बोलती है कि मैं उसे बचा के लाऊंगी। फिर उसके बाद माइकल उसको गन दे देता है और वो वहां से बचाने के लिए जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर ट्रेसा वापस आती है और माइकल पे गन पॉइंट करती है। तो ये देखकर माइकल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये मुझ पर ही गन पॉइंट क्यों कर रही है। और फिर माइकल सोचता है कि इस सारे गेम का मास्टरमाइंड कौन है। फिर हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि चल नहीं सकता, लेकिन उसमें सारी शक्तियां होती हैं और वो दूसरे को इंस्ट्रक्ट करता है। और उस बूढ़े आदमी ने डॉक्टर को भी कंट्रोल किया था जिससे कि माइकल को पकड़ सके। और हमें पता चलता है कि ट्रेसा पर भी कंट्रोल करके रखा था क्योंकि वो माइकल को पकड़ सके। तभी ट्रेसा ने माइकल पर गन पॉइंट किया था। तभी माइकल को डिविजन के लोग समरिंग से एक रशिया की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइकल की मॉम वहां पर आती है, लेकिन उस वक्त माइकल वहां से निकल चुका होता है और वो जगह धमाके से उड़ जाती है। और वो ओल्ड मैन माइकल को बोलता है कि तुम ट्रेसा को बचाने के लिए क्या कर सकते हो। फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं वहां की आसपास की चीजें टूटना शुरू हो जाती हैं। फिर माइकल उस बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है। फिर वो दोनों समरीन को उस पानी से बाहर निकालते हैं। फिर वो दोनों वहां पर बच जाते हैं। फिर उसके बाद माइकल उनको अपनी शक्ति के बारे में बताता है और
और दिखाता है और वहाँ के लोगों को सबको पता चल जाता है कि माइकल के पास कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन आंद्रे नहीं चाहता था कि इस शक्तियों के बारे में किसी को पता चले। और तभी आंद्रे माइकल से बोलता है कि मुझे सबकी यादें मिटानी होंगी जिससे कि किसी को याद ना रहे। फिर वो सबकी यादें मिटाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं किसी को कुछ भी याद नहीं होता है कि पिछली रात को क्या हुआ था और किसने बचाया। और सभी सोचते हैं कि माइकल की मॉम ने ही सारे बच्चों को बचाया है और माइकल की मॉम सबकी नजरों में एक हीरो बन जाती है। लेकिन माइकल की शक्तियों के बारे में सिर्फ माइकल की सिस्टर को ही पता चलता है। फिर वो माइकल स्कूल जाता है तो देखते हैं कि इवान और एरिक फिर से उसे परेशान करना शुरू कर देता है। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि माइकल अब बिल्कुल भी नहीं डरता है और उन दोनों को चुप करा देता है। और एंड में हम देखते हैं येलेना अभी भी जिंदा होती है और वो अपनी बेटी नताशा को ढूंढ रही होती है। और नताशा कौन है और येलेना नताशा को ढूंढ रही होती है? मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो नताशा होती है वो माइक की बहन ही होती है, क्योंकि उस टाइम पर माइक को और नताशा को अलग अलग ही छोड़ दिया था जिससे कि दोनों की जान बच सके। और येलेना को ये बात पता होती है कि नताशा इस टाइम पर कहाँ है और मैं सारी बातें जानती हूँ। तो इस मूवी का एंड यहीं पर होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।